कहते हैं कि नाइन्थ स्टैंडर्ड टेंथ स्टैंडर्ड का फाउंडेशन होता है। शायद बिल्कुल सही कहते हैं, बट पूरी बात ये नहीं है। पूरी बात तो यह है कि मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि नाइन्थ स्टैंडर्ड केवल टेंथ का नहीं, नाइन्थ इलेवेंथ का, ट्वेल्थ का और ऑनवर्ड्स आगे का भी फाउंडेशन होता है। तो कक्षा नौवीं में तो बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है, बट मैं इतना लकी नहीं था शायद, क्योंकि मुझे इतने अच्छे लेवल पे कोई मेंटोर करके पढ़ाने वाला नहीं था। बट आप हो, क्योंकि क्लास नाइन्थ का हर बच्चा जो इंग्लिश मीडियम या सेमी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है और जो मेरे चैनल से पढ़ रहा है, उन सभी के लिए मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ कॉम्बो बैच। हमारे कॉम्बो बैच के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। कॉम्बो बैच में क्या क्या मिलेगा ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को थोड़ी आगे। बट माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाई चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। अगर आप एक सेमी इंग्लिश या इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो, मतलब अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हो और अगर आप सेमी इंग्लिश या इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो लर्नर्स, तो आपके लिए यह बैच है। ठीक है, इस बैच में क्या क्या है देखो ध्यान से। पहले एक बात सुनो, विक्ट्री इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिलियंट्स। विक्ट्री जो ब्रिलियंट लोग होता है ना, बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी नहीं होती है। इट इज द क्राउन, ये तो उसके सर का ताज होता है जो अपने आप को झोंक देता है, बो देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ हार्ड वर्क एंड कॉन्फिडेंस, जो अपनी मेहनत पे भरोसा रखता है, ठीक है, और अपनी मेहनत पे टिका रहता है, जो डिसाइड करता है वो करता भी है, उसके सर का ताज है विक्ट्री। लर्नर्स, बैच में एडमिशन लेने का नंबर नीचे स्क्रॉल कर रहा है तो आप नोट कर लेना, बाकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। क्या क्या बैच में है वो मैं बता देता हूँ। क्लास नाइन्थ के लिए ये बैच है, बट क्लास नाइन्थ के लिए किन बच्चों के लिए है, तो अभी जो करंटली क्लास नाइन्थ में है, ठीक है, और वो फिर टेंथ में जाने वाले हैं, मतलब 2023 जो अभी है, तो आप नाइन्थ में हो, 2024-25 में आप 10th में रहोगे, 2025 में आपका बोर्ड एग्जाम होगा। तो ये 2023 से 2025 तक का बैच है, इसीलिए इसका नाम है कॉम्बो बैच, जिसमें 9th और 10th दोनों मिलेगा। बहुत ध्यान से समझाऊंगा हर एक चीज, ध्यान से सुनना। ये इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए, इसमें सारे सब्जेक्ट है और टेस्ट सीरीज फ्री मिल रहा है। इतना ही नहीं, अगर मैं स्क्रीन पर से थोड़ा सा हट जाऊं तो आपको दिखेगा कॉम्बो, ठीक है, एक किसका, क्लास नाइन्थ एंड टेंथ, और फाउंडेशन भी मिल रहा है। बोलोगे भैया ये बैच तो फिर बहुत महंगा होगा, कोई बात नहीं, देखते हैं कितना महंगा हो सकता है। हमारी टीम के बारे में सुनो, नीलिमा रॉय मैम ये सोशल स्टडी पढ़ाती है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, तो जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे उनको इंग्लिश में सोशल स्टडी पढ़ाया जाएगा। परीन मैम सोशल स्टडी पढ़ाती है मराठी में, सेमी इंग्लिश मीडियम वालों, क्योंकि उनकी सोशल स्टडी मराठी में होती है। कोमल दीक्षित मैम हिंदी पढ़ाती है, इंटायर कंपोजिट दोनों। योगेश सर मैथ्स पढ़ाते हैं, अलजेब्रा ज्योमेट्री, मोस्टली ज्योमेट्री। चंद्रशेखर सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, सेमी इंग्लिश मीडियम की बुक अलग है, मुझे पता है इंग्लिश मीडियम की अलग है, दोनों पढ़ाई जाती है, चिंता मत करो, ठीक है। और मैं साइंस और मैथ्स दोनों पढ़ाता हूँ, मोस्टली अलजेब्रा, ठीक है। तो ये हुए टीचर। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका संस्कृत होता है, ठीक है, तो अगर आपका संस्कृत है तो हमारे बैच में संस्कृत के भी टीचर है, शैलेश गोडके सर, ये आपको संस्कृत पढ़ाते हैं, चाहे आपका कंपोजिट हो चाहे आपका इंटायर। तो कुल मिला के सारे सब्जेक्ट तो हो गए, जर्मन फ्रेंच हम नहीं पढ़ाते, जो बात है वो बता रहा हूँ, बाकी सारे सब्जेक्ट है, सेमी इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के अलग अलग होंगे। अभी अगर आप हमारे विक्ट्री बैच में एडमिशन लेना चाहते हो, जो कि केवल नाइन्थ का है, जिसमें आपको केवल क्लास नाइन मिलेगा, उसका प्राइस 5,000 रुपये है। अगर आप हमारे आरंभ 3.0 जो हमारा क्लास टेंथ का बैच होगा, ठीक है, उसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा 6,000 रुपये, और फाउंडेशन की बात करें तो उसका प्राइस है 7,500। तो ये जेई नीट वाले बच्चों के लिए होता है, जो जेई नीट आगे प्रिपेयर करना चाहते हो उनके लिए फाउंडेशन होता है। तो ये एफवी मतलब फाउंडेशन बैच, टोटल होता है 18,500, बट टेंशन मत लो, इतना पैसा आपसे नहीं लेंगे। ऑफर है, ऑफर के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, अगर अलग अलग आप खरीदने जाओगे तो ये इतना महंगा पड़ेगा, ठीक है, और लोगों ने खरीदा है ट्रस्ट में वो दस, ठीक है। तो आपको कितने में मिलेगा, उससे पहले एक सवाल उठता है कि बैच में बेनिफिट क्या होंगे। सर अगर मैं ये कॉम्बो लेता हूँ, अगर ये सारी चीजें आप जो भी प्राइस पे दोगे, जितना भी दोगे उसमें अगर मैं लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो आपको सबसे पहले तो लाइव क्लासेस मिलेगा ईच एंड एवरी टॉपिक पे। तो लाइव क्लासेस होंगे, जैसे लाइव होता है ना, लाइव होगा, ठीक है, लाइव होगा, सब तुम लाइव क्लास समझते हो, राइट, ओके। कंप्लीट सिलेबस टर्म वन एंड टर्म टू का पढ़ाया जाएगा, नाइन्थ का भी टेंथ का भी, टेंशन मत लो। एक्सेस होगा मोबाइल पे, पीसी पे, टैबलेट पे, कहीं से भी आप देख सकते हो, एक बार अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, चाहे एंड्रॉइड हो चाहे iOS हो, मतलब एप्पल वाला हो। रिकॉर्डिंग हर एक क्लास की अवेलेबल रहेगी। अब इस बात को थोड़ा सा समझना, क्लासेस लाइव होंगे लेकिन एक बार लाइव क्लास खत्म हो गया तो उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड कप का मैच लाइव सब लोग देख रहे थे, लेकिन बाद में आप हाईलाइट्स भी देख सकते, ठीक है। अभी हम मान लो ये सेशन लाइव हो रहा है, लेकिन बाद में इसकी रिकॉर्डिंग भी रहेगी कि आप कभी भी रिवीजन कर सकते हो, अगर मिस हो गया तो देख सकते हो वो वाला सीन। चैप्टर वाइज लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, तो जैसे मान लो एक चैप्टर हमने 4 लेक्चर में कंप्लीट किया, लेट्स से लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद पांचवा एक डेडिकेटेड सेशन होगा उस पर डाउट क्लियरिंग के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए रहेगा।
नेक्स्ट होता है लाइव रिवीजन बिफोर एग्जाम, तो एग्जाम रहेगा तो उससे पहले पूरा रिवीजन कराया जाएगा और पर्सनल मेंटोरशिप मेरे द्वारा दिया जाएगा, बाकी जो टीचर है अगर आपको उनसे चाहिए तो वो भी आपको मेंटोर करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट है टेस्ट मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मैंने लिखी, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट विल बी टॉपिक वाइज। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए लॉज ऑफ मोशन लेते हैं तो उसमें टॉपिक्स है ना, इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, रिलेटिव मोशन। तो ऐसे टॉपिक वाइज आपको किस पे मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो कि एमसीक्यू के फॉर्मेट में होता है, और सब्जेक्टिव टेस्ट जो है आपको चैप्टर वाइज मिलेगा बोर्ड के पैटर्न के, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। अब बच्चों के मन में एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि सर अभी क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ दोनों पढ़ा दोगे या फिर कब पढ़ाओगे, क्या ड्यूरेशन होगा एंड थिंग्स लाइक दैट। लाइव क्लास की टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ, ये फिक्स रहेगा 7:45 PM शाम को से 8:45 PM क्लास नंबर वन। क्लास नंबर टू आपका होगा 9 PM ठीक है टू 10 PM। तो ये सब शाम को क्लासेस है, ये क्लास की टाइमिंग है। और हर संडे आपका टेस्ट होगा, तो मंडे टू सैटरडे क्लास और संडे संडे टेस्ट, जिसका आप पेपर लिखोगे, पीडीएफ बनाओगे, हमें सेंड करोगे, हम चेक करके देंगे, ऐसा वाला। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला रहने वाला है, तो आपको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है। आई होप रिकॉर्डिंग अच्छे से हो रही है। तो यहाँ पे मैं आपको टाइमलाइन समझाने वाला हूँ। तो लेट्स से कि 15 दिसंबर को हम ये बैच स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल, 15 दिसंबर को सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए क्लास नाइन स्टार्ट हो जाएगा, आपका फाउंडेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी आप करेंटली क्लास नाइन में हो ना, आपका क्लास नाइन स्टार्ट होगा और आपका फाउंडेशन होगा, क्लास टेंथ के लाइव लेक्चर स्टार्ट नहीं होंगे, ठीक है, 15 दिसंबर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब आपका क्लास नाइन चलेगा कहाँ तक, आपका क्लास नाइन चलेगा लास्ट वीक ऑफ अप्रैल तक 2024 के, 2023 दिसंबर में स्टार्ट हुआ है, अप्रैल 2024 तक चलेगा। ये टाइमलाइन एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, ध्यान से समझो। अप्रैल में आपका नाइन्थ खत्म हो जाएगा और क्लास टेंथ स्टार्ट हो जाएगा, रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, फिर आप क्लास टेंथ। अब आपका क्लास टेंथ चलेगा टिल 30 अप्रैल 2025। नॉर्मली मार्च में बच्चों का एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, अभी जो लास्ट मार्च है 22 मार्च 25 मार्च तक एग्जाम खत्म हो जाता है, फिर भी 30 अप्रैल तक आपके पास सारा बैच का एक्सेस रहेगा। यहाँ पे सारे क्लासेस लाइव होंगे दोनों जगह, ठीक है, और लाइव खत्म होने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग रहेगी कि आप दोबारा देख सकते हो, रिविजन कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। फाउंडेशन जो है वो भी 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा और वो आपका चलता चला जाएगा टिल जुलाई 2025। और टेंथ खत्म होने के बाद जो वेकेशन मिलता है उस वेकेशन में भी आपके फाउंडेशन के क्लासेस होंगे। फाउंडेशन की क्लासेस केवल सैटरडे संडे होंगे, ठीक है, केवल सैटरडे संडे होंगे और उसकी टाइमिंग भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। संडे को एक सुबह में होगा उसका क्लासेस, जैसे 9 बजे से 10:30 तक, ठीक है, संडे को इस टाइम में होगा मॉर्निंग में, बाकी सारा टाइम शाम को ही होगा, ठीक है, और प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से होगा, तो आप टेंशन मत लो। आपको समझ में आ गया, क्लास नाइन्थ का लाइव चालू हो जाएगा, चलता रहेगा, जब आप टेंथ में जाओगे तो क्लास टेंथ का लाइव शुरू हो जाएगा, फाउंडेशन का लाइव चलता रहेगा कहाँ तक, जुलाई 2025। ये हो गया टाइमलाइन। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप एक नंबर जो आपको दिख रहा है 8527529111 इस पर कॉल कर सकते हो, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, मैं या नीलिमा मैम कोई भी बात करके आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। अब कैसे इनरोल करना है इस बैच में, प्राइस क्या है, ये मैं जानता हूँ आपके मन में सवाल होगा, डोंट वरी। इनरोल करने के लिए आपको सिंपली आप हमारे एप्लीकेशन को अगर डाउनलोड करते हो, हमारा इजी लर्निंग करके एप्लीकेशन है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको एक ऐसा रेड कलर का बैनर दिखेगा ऊपर, ठीक है, कॉम्बो क्लास नाइन्थ एंड टेंथ, उस बैनर पे आपको क्लिक करना। जैसे आप उस बैनर पे क्लिक करोगे इमिडिएटली, ठीक है, आप एक ऐसे पेज पे आ जाओगे। आप यहाँ पे प्राइस भी रिवील कर रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने, द प्राइस इज 7500 नॉट 18000 समथिंग, 7500 में सब कुछ। यहाँ पे आपको आपका नाम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर डालना है, स्टूडेंट का डाल देना है यहाँ पे। और ये ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि होता है बहुत बार क्या होता है पता है क्या, बच्चा बैच ज्वाइन करता है, पापा मम्मी पेमेंट करते हैं, बच्चा दूसरे फोन से यूज करता है, मामा काका चाचा कोई पेमेंट करता है और बच्चा दूसरे फोन से यूज करता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन डाला गया है। मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, ये देखो, जैसे आप वेबसाइट पे आओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा इसका, ये डायरेक्ट इस पेमेंट पेज का भी लिंक मैंने डाल दिया, डायरेक्ट भी डाल दिया, इजी लर्निंग लिख के आएगा आपको। जैसे मान लो कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है शुभम झा, ओके, ईमेल आईडी मैं डाल देता हूँ अपना, लेट से कि शुभम झा @ESYLEAR.live। आपको कैपिटल में डालने की जरूरत नहीं है, मेरा तो अभी कैप्स लॉक चालू है तो कैपिटल में जा रहा है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर में डाल देता हूँ 8527529111, और यहाँ पे आ गया अमाउंट यहाँ पे, और बाकी यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमने, मैं नहीं दिख रहा हूँ, ओके बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन कर दी है, जैसे कि इस बैच में क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो आप ये भी पढ़ सकते हो, ठीक है, टीचर्स क्या है मेन, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ बोनसेस है फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स, जिसमें से एक तो अभी हम दिसंबर में जितने बच्चे एडमिशन लेंगे उन सबको देंगे, ये फाउंडेशन वाला,
लेकिन एक हमारा कोर्स है बेसिक टू एडवांस ग्रामर, और एक PYQ की बुक होगी, फिजिकल कॉपी। मैं आपको दिखाऊंगा, फिजिकल कॉपी कुछ ऐसी होगी, इसमें मैथ्स और साइंस के सारे PYQ हैं। तो ये वाली एक बुक फिजिकल आपके घर पे पहुंचाई जाएगी, और एक हमारा टाइम मैनेजमेंट का कोर्स है वो। तो ये हम दिसंबर में लेने वाले, सबको फाउंडेशन तो दे ही रहे हैं JEE NEET वाला, बट ये जो ऊपर के ये वाला और ये जो नीचे के दो है, ये ग्रामर बेसिक टू एडवांस, PYQ की ये वाली फिजिकल कॉपी जो आपके घर पे हम पहुंचवाएंगे। और टाइम मैनेजमेंट का जो कोर्स होगा हमारा, वो वाला हम केवल फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को ही देंगे, तो आपको जल्दी से जल्दी लेना चाहिए, बाकी ये डिस्काउंटेड प्राइस सभी के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा एक पेमेंट पेज खुल जाएगा, चाहे आप मोबाइल में हो या लैपटॉप में हो, और आप जिस भी तरीके से पे करना चाहते हो कर देना। अगर आप UPI वगैरह से करना चाहते हो तो UPI से, जैसे करना चाहते हो वैसे आप पेमेंट कर सकते हो। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू पे, वेरी सिंपल। ठीक है, नंबर सही से डालना अपना जिससे एक्सेस चाहिए, या फिर कॉल कर लेना जो नंबर आपको नीचे दिख रहा हो। ओके, नेक्स्ट, गोइंग फॉरवर्ड लर्नर्स, एक और ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर QR कोड दिखा दो ना, ईजी रहेगा सबसे, फॉर्म वॉर्म भरने से बहुत ईजी हो जाता है QR कोड वाला। तो इन दैट केस वी आर हैविंग अ QR कोड, है ना। इन दैट केस वी आर हैविंग अ QR कोड, ये हमारा भारत पे का QR कोड है। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली इस QR कोड को आप हमसे मांग सकते हो, इस नंबर पे मैसेज करके, कॉल करके हम आपको सेंड कर देंगे, या फिर वीडियो में आप ले करके यहाँ से सीधे स्कैन कर लेना। ओके, और पेमेंट कर देना, और उसके बाद जो आपका ये होगा ना स्क्रीनशॉट होगा, आप हमारे इस वाले नंबर पे कॉल कर, इंक्वायरी के लिए भी यही नंबर है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड लर्नर्स, कुछ फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन लेते हैं इसके रिगार्डिंग, बैच के रिगार्डिंग, कि क्या क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन होता है कि हु शुड ज्वाइन दिस बैच। अगर आप कक्षा 9वीं में हो, इफ यू आर इन क्लास 9th एंड यू आर गोइंग इन 10th, एंड आप 90% से ज्यादा वो रखते हो लाने की इच्छा, और आप पढ़ने में भी अच्छे हो, तो ऑब्वियसली अच्छे ही होने चाहिए। ठीक है, तो आप और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हो तो आपको ये बैच ज्वाइन करना, स्पेशली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम एंड सेमी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड लर्नर्स, अगर मैं बात करूँ क्लासेस कब होंगे, लाइव होंगे या रिकॉर्डेड होंगे, तो क्लासेस सारे लाइव होंगे लेकिन लाइव की रिकॉर्डिंग रहेगी। तो क्लासेस लाइव होंगी, बाद में उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी। एक और बच्चे बोलते हैं कि लैपटॉप पे कैसे होगा, तो हमारा एक वो जैसे आप देखो हमारा वेबसाइट है easylearning.live, easylearning.live, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है app.easylearning.live, इससे आप हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हो लैपटॉप वगैरह से। ठीक है, तो उसकी रिकॉर्डिंग दोनों जगह अवेलेबल रहेगी, टेंशन मतलब। नेक्स्ट, क्लासेस कहाँ पे होंगी, ऐप पे होंगी या फिर यूट्यूब पे होंगी। तो क्लासेस होंगी हमारे लाइव हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, क्लासेस हमारे ऐप के ऊपर होंगी और हमारे ही वेब वर्जन के ऊपर। ऐप तो आपको मोबाइल में होगा वो, और अगर आप लैपटॉप से अटेंड करना चाहते हो तो आपको एक वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, app.easylearning.live। ठीक है, इस पे जाओगे, मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ करके कि आपको आइडिया आ जाए। अभी आप देखो ये मेरा वेबसाइट है, ठीक है, यू कैन सी दिस, दिस इज द वेबसाइट। एग्जाम्पल के लिए आप उसे मोबाइल से परचेस करना है, या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक रहेगा उससे परचेस करना, कॉम्बो डायरेक्ट वेबसाइट से नहीं हो पाएगा, ऐप से होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप वेबसाइट। जैसे आप यहाँ पे लॉग इन पर जाओगे तो देखो आप इमिडिएटली कैसे, ये मेरा प्रोफाइल खुला हुआ है, तो एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाओगे किस पे, app.easylearning.live, और यहाँ पे आप एक्सेस। ठीक है, ये हो गया लैपटॉप पे कैसे हो, और हमारी वेबसाइट या हमारे ही एप्लीकेशन पे होगा जैसा कि मैं आपको बता चुका। ओके, इज इट क्लियर। तो हमारे एप्लीकेशन पे होगा, यूट्यूब यूट्यूब पे नहीं होगा ये, इट्स अ पेड वन। लास्ट है ईयरली फी है या मंथली फी है, तो पूरे कॉम्बो का है। जैसे मैंने कॉम्बो का आपको एक्सप्लेन किया ना कि कुछ हो रहा था 18,000 समथिंग हो रहा था, देखो यहाँ पे 18,500 हो रहा था, तो ये ना देकर के आपको केवल 7,500 देना है, एंड दिस इज टिल 2020। अधिक जानकारी के लिए ऑब्वियसली आप कॉल करिए, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी अगर आप कॉल करोगे तो। तो दैट इज इट, और लास्ट यही बोलूंगा मैं कि ये हमारा नाम है, ये मेरा ईमेल आईडी है, ये मेरा नंबर है, मेरा एक और ईमेल आईडी है शुभम झा ऑफिशियल वाला, शुभम झा @easylearning.com। फिर भी आप कॉल करके बात कर सकते। ओके, तो मोटा मोटा आपको समझ आ गया होगा कि कॉम्बो टाइमलाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो आप हमें कॉल कर लेना। और कॉम्बो देखो मैं आपको रिजल्ट्स की अगर मैं आपको बात कराऊँ ना, हमसे पढ़े हुए बच्चे 100% तक स्कोर कर चुके हैं। अब एक एक रिजल्ट मैं दिखाते नहीं बैठ सकता हूँ, ऑलरेडी मैंने इतना कुछ पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, इतना कमेंट्स आता है, वो सब आप देखते हो तो आपको पता होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहले से पढ़ रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि मुझे प्रूफ करने की जरूरत है कि मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मेरी टीम अच्छा पढ़ा सकती है। आपको अच्छे से ये बात खुद पता होगा, राइट, ये आपको खुद पता होगा।
थैंक यू सो मच। फिर भी अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप जो नंबर मैंने बोला था 8527529111 पे कॉल करिएगा, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे लेने में। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे बैनर पे क्लिक करके लेना पड़ेगा, जो इस तरीके का एक बैनर दिखेगा, ओके। और अगर आप डायरेक्ट लेना चाहते हो तो लिंक, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप ले सकते हो, ठीक है। और अगर इंक्वायरी करनी है तो नंबर पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग वेरी केयरफुली, हैप्पी लर्निंग। कॉम्बो में आ जाओ, वैल्यू फॉर मनी है, यह आपको भी अंदाजा हो गया होगा।